इन विंटर्स में ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, अनइवन हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मैं क्या करूँ। प्रीति सानिया का चैनल स्किन केयर रूटीन, चलिए देख लेते हैं। आप भी आइए और देखिए प्रीति सानिया का चैनल और स्किन केयर रूटीन को देखिए और इसको फॉलो करिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का भी ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीति सानिया पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की एवरी ट्यूजडे और फ्राइडे। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब बहुत ही प्यारी प्यारी और बेहतरीन रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। देखिए, विंटर्स के आते ही हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जैसे अपनी अलमीरा को चेंज करना, अपने मेकअप का सामान बिल्कुल से बदल देना, तो ये बहुत कुछ छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारी स्किन के लिए भी हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग बदलाव कर लेते हैं लेकिन बदलाव के नाम पर वो क्या करते हैं, हाइड्रेशन के लिए केवल कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं। और वो कोल्ड क्रीम मॉइस्चराइज़र तो देती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ तो करती है, बट उसके साथ ही साथ आपकी स्किन से नेचुरल ग्लो को छीन लेती है और आपकी स्किन पर जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अनइवन, बहुत डल सी दिखने लगती है। तो बस इसी का उपाय मैंने यहाँ पर किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना होगा कि हमारी स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी ना रहे, हमारी स्किन डल भी ना दिखे, हमारी स्किन एकदम से कोमल और मॉइस्चराइज और ग्लो करने लगे। तो उसके लिए आपको एक स्किन केयर रूटीन जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसको आपको अगर इसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लगेगी। देखिए, इस रिज्यूम को आप सिर्फ 7 डेज फॉलो करके देखिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, आपका चेहरा बोलेगा और सामने वाले आपसे पूछेंगे जी हाँ कि ये इतना ग्लो भाई कैसे। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। जो जो स्टेप मैं बताऊं वो सब आपको करने हैं और जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से ही करने हैं। जी हाँ, उसी तरीके से आपको करने हैं, वरना क्या होता है कि मैंने कुछ बताया, आपने कुछ किया, फिर रिजल्ट उसका कुछ और ही आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो है DIY क्लिंजर। जी हाँ, हम क्लिंजर प्रिपेयर करेंगे, काफ़ी एक हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 चम्मच शहद और कम से कम 10 चम्मच गुलाब जल की। जी हाँ, इन दोनों के मिक्सचर को जब हम प्रिपेयर करेंगे ना तो ये एक मैजिक बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, आप इसको ट्राई करिएगा, कॉटन पर लेकर के अपनी स्किन को वाइप ऑफ करिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपके चेहरे से जो भी धूल मिट्टी के कण थे या जो कुछ भी हमारे पोर्स में भी जो फंसा हुआ रह जाता है ना, वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा इससे। जी हाँ, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, अकेला शहद या अकेला गुलाब जल इतना काम नहीं अच्छा कर सकता। जी हाँ, लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण तैयार होता है ना तो एक मैजिक ही होता है। जी हाँ, वो कैसे, गुलाब जल देखिए हमारी स्किन को अंदर से डीपली, हमारी स्किन को डीपली जो भी ऑयल वगैरह जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको सबको खींच लेता है। और हनी क्या करेगा, हनी हमारी स्किन में मॉइस्चर देगा। जी हाँ, जो गुलाब जल की वजह से जो छिन चुका है ना वो इसमें मॉइस्चर ऐड करेगा, तो हुआ ना एक अच्छा मिश्रण। जी हाँ, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपकी स्किन की सारी गंदगी, सारे पोर्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी स्किन को क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लगाते हैं टोनर। जी हाँ, हम अपने चेहरे को करते हैं टोन। टोनर लगाने से क्या होता है कि हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो टाइटन अप हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो यंग दिखने लगती है, बहुत ही ग्लो करने लगती है। जो स्किन जो हमारी लूज़ पड़ चुकी होती है ना वो एकदम से यंग दिखने लगती है। तो हमें टोनर का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। तो हम टोनर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी टोनर के ऊपर बना चुकी हूँ और ये स्पेशल जो वीडियो है वो सिर्फ टोनर के ऊपर मैंने बना रखी है। इसमें 3 टोनर्स हैं और तीनों ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के हैं। जी हाँ, आप किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। जी हाँ, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप इसमें भी कुछ नया चाहते हैं तो या कुछ सिंपल चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको लेना है कुकुम्बर। जी हाँ, खीरा, खीरे को आपको ग्रेट करके उसका जो है वो रस निकाल लेना है और बस हमारा टोनर हो गया तैयार। लेकिन ये टोनर जो है वो सिर्फ 2 डेज ही चलेगा। जी हाँ, वो भी फ्रिज में रखने के बाद। तो अगर आप सॉल्यूशन हमें मिल जाए और हमें ज़्यादा तामझाम भी ना करना पड़े
तो है रोज़ वाटर। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा टोनर है, आप इसको लगा के देखिएगा। जैसे ही आप लगाते हैं इसको, आपके पोर जो है वो टाइट हो जाते हैं और एकदम से यंग स्किन आपकी हो जाती है, टाइटनप स्किन हो जाती है, लूज़ लूज़ नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी तामझाम ना करना पड़े तो आप जा सकते हैं रोज़ वाटर की तरफ। और थर्ड जो हमारा स्टेप है, यानी कि तीसरा, हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। जी हाँ, तो मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल और कोई फेस ऑयल, कोई भी फेस ऑयल हो सकता है जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आप कोई भी फेस ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो आप ले सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल। जी हाँ, एक कैप्सूल ले सकते हैं, एक चम्मच एलोवेरा जेल की ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। देखिए, ऑयल से ना आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है ना वो डबल यानी कि दुगनी तेज़ी से काम करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। आप कितनी भी मार्केट वाली क्रीम यूज़ कर लीजिएगा और एक तरफ आप इसको यूज़ कीजिएगा कि इसमें एक फेस ऑयल हो और एलोवेरा जेल हो, तो आपकी स्किन बजाय इसके इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगी और बिल्कुल भी आपको डिहाइड्रेशन महसूस नहीं होगी और आपकी स्किन जो है वो एकदम ग्लो करेगी फेस ऑयल की वजह से। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मार्केट और कोई भी, अगर आपके पास फेस ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं या फिर बादाम का तेल ले सकते हैं। जी हाँ, बादाम का ऑयल भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि विटामिन ई का कैप्सूल या जितना कि कोई भी फेस ऑयल। देखिए, बादाम का तेल लेकिन वो नहीं होना चाहिए जो हम अपने बालों में ट्राई करते हैं। बादाम का तेल जो है वो स्वीट आलमंड ऑयल हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन इनको क्या होता है, कोल्ड प्रेस जो ऑयल होते हैं इनको हम बालों में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही जगह पर बहुत ही इक्वली और अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो आप और एक बात, अगर आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 दिन बाद इसको फिर से बनाना होगा और इसके अच्छे से बैचेज आप हफ्ते वाइज या फिर 4 से 5 दिन का बैचेज बना सकते हैं। और इसको एलोवेरा जेल को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, लीव को आपको काटना है, उसकी पत्ती को साइड से उसको निकालना है बीच से काट करके, तब आपको एलोवेरा जेल जो है वो अपने लिए प्रिपेयर करना है। इसको एक बार मिक्सी में और घुमा देना है, तब जा कर के आपका एलोवेरा जेल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और हाँ, लीव जैसे ही आपने तोड़ी उसमें से एक येलो येलो पार्ट निकलता है, उसको आप बिल्कुल भी निकल जाने दीजिएगा, आप इसको उल्टा करके रख दीजिएगा, वो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा 5 से 10 मिनट में। ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि ये निकल गया है या नहीं। डन। मैं एक फेस पैक जो हमेशा अप्लाई करती हूँ, हर वीक अप्लाई करती हूँ, वो है थोड़ा 2 चम्मच बेसन लेती हूँ, उसमें 2 चम्मच मैं दही ऐड करती हूँ और उसके बाद अपने फेस पर लगा लेती हूँ। चाहे तो उसमें कभी कभी कुछ कुछ ऐड करती रहती हूँ, जैसे एलोवेरा जेल कर दिया, कभी शहद कर दिया, कभी कुछ और कर दिया, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी बेस में होती ही हैं। तो वीक में हमें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इससे आपकी स्किन जो है वो हमेशा खिली खिली और यंग दिखती रहती है। इस रिज्यूम को अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो इस पूरे विंटर्स में आपको डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये सारे स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई रियली होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा ना भी लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है, जो परिवार है, वो थोड़ा ग्रो करे, थोड़ा बड़ा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।